इससे पहले कि ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे मुश्किलें ही मज़ा देती हैं। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले कि ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे मुश्किलें ही मज़ा देती हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग देखेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव। तो यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, कौन है? रामनाथ कोविंद जी। इनकी अध्यक्षता में यह एक राष्ट्र एक चुनाव की एक समिति बनाई गई है। इसमें जो है कुल 8 सदस्य हैं, यानी 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कभी लोकसभा के चुनाव होते रहते हैं, उसके अलावा राज्यों के अपने विधानसभाओं के चुनाव भी होते रहते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे उपचुनाव भी आता रहता है। तो इस तरह से काफ़ी अव्यवस्था हो जाती है। इसमें मान लीजिए काफ़ी खर्चे भी होते हैं, सरकारी कर्मचारी से लेकर के जो हमारे, जैसे मान लीजिए राज्यों में चुनाव होता है तो केंद्र के जो मंत्री हैं वो भी उस चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, तो वो अपना विभाग और काम को छोड़ करके। तो इससे हमारे कामकाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ खर्चे भी काफ़ी, आपके आर्थिक स्थिति से भी आपको काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है अब क्या है, इस पर जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है। अगली बात इस बार में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसलिए हमने इसको लिया है कि यहाँ से जो आपके प्रश्न जो SSC का भी हुआ था 2023 में एग्जाम, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था? जो वर्ष 2019 का आम चुनाव है, इसके साथ में किन किन राज्यों के चुनाव हुए हैं? तो आप देखेंगे कि 4 राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो पूर्वोत्तर के आप देखेंगे 2 राज्य हैं, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, हमें आप AP लिख दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को लिख दे रहे हैं, AP अरुणाचल प्रदेश है। फिर इसके बाद आपका देखेंगे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा सिक्किम है। उसके बाद दक्षिण भारत के आपके 2 राज्य हैं, इसमें आपका उड़ीसा है और उड़ीसा के अलावा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। यानी इन चार राज्यों में क्या 2019 के आम चुनाव के साथ इन राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव भी कराए गए, संपन्न हुए। और इसके अलावा आप देखेंगे G20 की एक कार्यशाला का आयोजन। तो G20 से रिलेटेड हमारा एक वीडियो है, उसमें आप लोग देखिएगा, इसमें काफ़ी इससे रिलेटेड आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग मुख्य चीज़ों को देखते हैं करेंट अफेयर में कि इसकी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला आयोजित की गई कहाँ पर? बेंगलुरु में, स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्यशाला है, ठीक है, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया इस कार्यशाला का। और इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? तो हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री, और उनका नाम क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है शोभा करंदलाजे, ठीक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, कौन है? शोभा करंदलाजे। इनके द्वारा यहाँ इसका कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। अब देखेंगे इसे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, जो G20 है यह काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी आप देखेंगे कि यह इस बार यानी 2023 यह इसका जो मेज़बानी किया है किसने किया है? भारत ने किया है। 2023 में इसकी मेज़बानी किसने किया है? भारत में। और नेक्स्ट जो 2024 में जो होने जा रहा होगा, G20 का जो अगला शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? ब्राज़ील देश में होगा। यानी इसका मेज़बान देश किसको चुना गया है? ब्राज़ील को चुना गया है। और यह जो G20 जो आयोजन जो संगठन बनाया गया, इसकी स्थापना कब की गई? यह की गई आपका 1999 में, ठीक
ठीक है। तो यहाँ से ये दो तीन आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता दिया हूँ कि G20 का स्थापना कब हुई, 1999 में। इस बार इसकी मेजबानी किसने किया है, भारत ने किया है। नेक्स्ट 2024 में मेजबानी कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा। और इसकी एक कार्यशाला का जो आयोजन किया गया वो बेंगलुरु में किया गया है। इसके द्वारा अगर इसका पूछा जाए इसका उद्घाटन किया किसने है बेंगलुरु में, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, कौन है, तो शोभा करंद राजे के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चोकुआ चावल। चोकुआ चावल जिसे जो है मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है, और ये चोकुआ चावल है इसको क्या है GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये आप प्रश्न पूछा जाते हैं यहाँ पर कि किस राज्य का जो चोकुआ चावल है इसे GI टैग प्रदान किया गया है, तो किस राज्य का है, तो आप देखेंगे असम। ये आप नोट कर लीजिएगा, असम राज्य का है जहाँ पर इसको GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका श्रीलंका फुटबॉल महासंघ। तो श्रीलंका जो फुटबॉल महासंघ है इस पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था, अब बताइए। तो जो प्रतिबंध लगाया गया था कब लगाया गया था, तो प्रतिबंध लगाया गया था इसे जनवरी 2023 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, और अब इसको जो है सितंबर में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। ठीक है, अब प्रतिबंध लगाया ही क्यों गया था, महत्वपूर्ण बात यह है। तो इसलिए लगाया गया था क्योंकि यहाँ का जो फीस गया था, इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ की श्रीलंका की सरकार है इसका इस पर काफ़ी इंटरफेयर हो रहा था, जिसके वजह से फीफा ने इस पर श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब इसको जो है हटा दिया गया प्रतिबंध, कब, सितंबर में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है NSKFDC, ये क्या होता है NSKFDC, इसका पूरा नाम होता है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। यह जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ जो है एक समझौता किया है। ठीक है, और यह समझौता यह 2 वर्षों के लिए, यानी कि वर्ष 2023 से 24 और 2024 से 25, यह 2 वर्षों के लिए समझौता की गई है। ठीक है, किसके द्वारा, अब देखिए ये जो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन है, यह किसके द्वारा संचालित किया जाता है, यह भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर इसकी जो स्थापना की गई है, जो सफाई कर्मचारी जो वित्त एवं विकास निगम है इसकी जो स्थापना की गई है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, 1997 में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो आप देखेंगे कि अभी जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त की गई हैं, और वो महिला हैं, कौन, क्या नाम है इनका, हाँ, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त की गई हैं जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, यानी कि चूंकि यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो जया वर्मा सिन्हा जी हैं यह प्रथम महिला हैं रेलवे बोर्ड की मुख्य कार्यकारी एवं अधिकारी नियुक्त होने वाली, ये प्रथम महिला हैं, इसलिए काफी आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा लेट्स मूव फॉरवर्ड क्या है, तो यह एक कॉमिक पुस्तक है, और यह जो पुस्तक है यह जारी किसके द्वारा की गई है, तो यह है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यह पुस्तक जारी की गई है। और इस पुस्तक को तैयार किसने किया है, तो यह जो है CBSE एवं यूनेस्को, या CBSE और यूनेस्को के द्वारा मिलकर के इस पुस्तक को तैयार किया गया है। क्या पुस्तक का नाम क्या है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, इसलिए यह भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इतना, नेक्स्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपको आप इससे संबंधित कुछ और प्रश्न भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए।